स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। यस मैम। लास्ट स्टैंड पर यहाँ थे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग बता दिया था। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द लिविंग बीइंग्स। सो फर्स्ट इज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। एज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, देन द polar ice caps will melt and it will increase the sea level. So it will be harmful for the polar animals which exist at the polar ice caps, like polar bear. ठीक है, जैसे जैसे ये आइस कैप्स मेल्ट होंगे, सी लेवल इंक्रीज होगा और जो वहां पर लिविंग बींग्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि वो वहां पर कैसे सरवाइव करें सी लेवल बढ़ने की वजह से। तो फर्स्ट इफेक्ट इज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। सेकंड इज द डिक्लाइन ऑफ एंडेमिक एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज। कुछ स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी हैं जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं। सपोज ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत ज्यादा हो गया, या इससे और ज्यादा इंक्रीज होता है तो सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे कि ये फिलिपीन टार्जियर है, ईगल है, और ये हॉर्नबिल है, ये पिजन की एक स्पीसीज है मिंडानो ब्लीडिंग हार्ट, ये स्पॉटेड डियर है, और कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे ये पिचर प्लांट है जिसको नेफेंटिस वेंट्रिकोसा कहते हैं। ये पिचर की शेप का होता है इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये जो इसका ऊपर का ये लिड है वो क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है खत्म हो जाता है। तो ये कुछ जो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज द इंक्रीज प्रेसिपिटेशन। इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हाईली इंक्रीज होता जा रहा है और कुछ जगह ये वेरी करता है, कहीं पर बहुत कम हो जाएगा और कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनइवन क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कहीं पर तो स्नोफॉल बहुत ज्यादा होने लगेगा, कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होने लगेगा, कहीं फ्लड आ जाएगा। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो अनइवन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट। जैसे ये रेट है, ये कुछ इंसेक्ट्स है, जैसे जब अटैक कर देते हैं क्रॉप पर, तो ये जो पेस्ट है ये हाई टेम्परेचर पर इजीली सर्वाइव करते हैं, उनके लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है, तो इनमें ब्रीडिंग ज्यादा होने लगती है, तो इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है और ये वहां पर अटैक करने लगते हैं क्रॉप पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट। इसका क्या मतलब है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जैसे राइपनिंग टेम्परेचर जो है किसी भी क्रॉप के लिए वो अलग अलग होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो राइपनिंग बिफोर टाइम हो जाएगी, और बिफोर टाइम राइपनिंग होने की वजह से क्या होगा, जो ग्रेन साइज है वो स्मॉल रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट कम रहेगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो एग्रीकल्चर पर भी इसका, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, बिफोर टाइम राइपनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज द ड्रॉट एंड फ्लड्स बिकम कॉमन। ठीक है, कहीं पर तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा तो वहां पर
क्रॉप नहीं हो पाएगी, एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, कहीं पर फ्लड आ जाएगा तो वो पूरे उसमें भी ना एग्रीकल्चर लैंड बचेगी और नहीं वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो कहीं पर तो ड्रॉट हो रहा है, कहीं पर फ्लड हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और अनइवन चेंज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है, यदि स्नोफॉल हो गया तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रुक जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या होता है, पूरा ड्रिंकिंग वाटर जो पाइपलाइन होती है उनमें वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और यदि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, और उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो डिक्रीज सप्लाई ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जो टेम्परेचर है या तो एकदम से राइज कर जाए या एकदम से फॉल हो जाए, मीन्स जब टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, एंडेमिक डिजीज स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, इस तरह की हाई फीवर है, मेनिनजाइटिस है, इस तरह की जो एंडेमिक डिजीजेस है वो स्प्रेड होने लगती है। नेक्स्ट, हरिकेन्स एंड टाइफूंस आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे वो आपने सुना हो हरिकेन्स में कि वो डीटा कटरीना टाइप के हरिकेन्स आ जाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज द स्पीसीज दैट डिपेंड ऑन वन अनदर मे बिकम आउट ऑफ सिंक। आउट ऑफ सिंक से क्या मतलब है, जैसे कि इसमें फिगर में आपको बटरफ्लाई दिख रही है फ्लावर के ऊपर, तो ये क्या कर रही है, पॉलिनेशन जब हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स को ले रही है, उससे ये जूस लेती है और फिर पॉलन ग्रेन्स को इधर से उधर स्प्रेड कर देती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोइंग वहां पर डिफरेंट प्लेसेस पर होगी। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है, ये बिफोर टाइम फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो पॉलिनेशन वाला पीरियड था वो इससे बटरफ्लाई से रह जाएगा, मींस जो सिंक्रोनाइजेशन था वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वेरी कर जाएगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। चेंज इन नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे ये इसमें आप देख रहे हैं एक्वेटिक है ना, इकोसिस्टम में जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो कुछ स्पीसीज तो वहां से मूव कर जाएंगी और कुछ मूव नहीं कर पाएंगी, तो और उसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगी तो वो डेड हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो मूव कर गई है डेड हो गई स्पीसीज, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वहां का पिरामिड था वो वेरी करेगा और वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स विच आर कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is the what are the steps which our government is taking for the prevention of the global warming? ठीक है, कुछ ऐसे steps हैं, कुछ conferences organize हो रही हैं, कुछ protocol sign हो रहे हैं जिससे कि इसको रोक सके global warming। नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाइड कंसर्न, मींस गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तो इन 1988 यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, यूएनईपी है United Nations Environmental Program and WMO is World Meteorological Organization. They both establishes the IPCC. IPCC means Intergovernmental Panel on Climate Change. और ये इन्होंने क्यों establish किया ये IPCC? To provide independent scientific advice on the complex and important issue of climate change. जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग एक इम्पोर्टेंट इशू है। तो आईपीसीसी क्या करेगा, आईपीसीसी
उस पर अपने डिसीजंस और सजेशंस देगा हाउ टू टैकल दीज टाइप ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द UNFCCC. ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए. UNFCCC इज द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इससे क्या हुआ, UNFCCC इसने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल. जैसे उसमें ओजोन डिप्लीशन में मैंने आप लोगों को बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो किसके लिए था, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए. ऐसे ही क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए. तो ये जो प्रोटोकॉल था, इस प्रोटोकॉल में मेनली इस पर एम्फेसिस किया गया कि हाउ टू प्रिवेंट द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस का ये एमिशन मींस उसकी कंसंट्रेशन यदि कंट्रोल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल हो जाएगी. इसके लिए दूसरा इन्होंने एक COP ऑर्गेनाइज किए. COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो ये अलग अलग कंट्रीज में होता है. 2001 और 2 वाला जो COP था, COP नंबर 8, वो इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली में हुआ था. ठीक है, और इसका जितनी भी COPs हुई हैं, उसका मेन जो पॉइंट है डिस्कशन का, या जो वहां पर चीजें साइन हुई, वो किस पर फोकस करती है, टू क्लीन एनवायरनमेंट बाय प्रिवेंटिंग द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, कार्बन ट्रेडिंग, हाउ टू मिटिगेट द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड द सम कॉमन टेक्नोलॉजीज must be developed so we can prevent the emission of the greenhouse gases. So ye jo protocols hain, ye mainly protocol ye jitne bhi conferences hain, inme main point of discussion hota hai greenhouse gases. And to conclude the global warming problem, which is increasing due to the high concentration of the carbon dioxide means greenhouse gases in atmosphere, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो मेनली क्या है कि जैसे फॉसिल फ्यूल का कम्बस्टन हम कम करें. और कम्बस्टन कब कम होगा, जब हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे. जैसे कि व्हीकल्स में, कार के लिए पहले मैंने एक बार क्लास में बताया कि मतलब जब पैसा आ जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि चार कार में हम अकेले चलें अपना शो ऑफ करने के लिए. ठीक है, तो ये तो एक कहने का पॉइंट है, पर मतलब ये है कि यदि हम व्हीकल्स को कम यूज करें तो ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल के कम्बस्टन को रोक पाएंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा और एमिशन भी कम होगा. एमिशन कम होगा तो उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी. तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड जो कंसर्न है, और जो प्रोटोकॉल्स है वो है क्योटो प्रोटोकॉल और COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. So students, it's all about the global warming and greenhouse effect. Global warming के दोनों cause हैं, ओजोन डिप्लीशन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए responsible है और ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट इज द एसिड रेन. एसिड रेन स्टूडेंट्स क्या है, व्हेन द एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स्ड विद द रेन एंड फॉल ऑनटू अर्थ, देन इट इज नोन एज द एसिड रेन. या जब रेन स्मोक के थ्रू फॉल होती है, मींस जब इतना पॉल्यूशन होता है कि वो स्मोक की फॉर्म में सस्टेन करता है, तो जब रेन स्मोक के थ्रू फॉल होगी
तो उसको कहते हैं एसिड रेन। जो ताजमहल येलो होता जा रहा है उसका मेन कॉज है एसिड रेन, पॉल्यूशन की वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है जिसकी वजह से वो येलो होता जा रहा है। क्योंकि वो किसका बना हुआ है, मार्बल का, और मार्बल क्या है, केमिकली इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करने से जो कंपाउंड बन रहा है वो येलोइश होता है, इसकी वजह से ताजमहल येलो होता जा रहा है। तो फर्स्ट व्हाट इज द एसिड रेन? द टर्म एसिड रेन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन विच इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल पीएच। जो रेन का नॉर्मल पीएच है वो 5.6 होता है। पीएच स्केल आप लोगों को पता होगा, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से अबव जाएंगे तो वो बेसिक होगा और डाउन जाएंगे तो वो एसिडिक होगा। तो 5.6 स्लाइटली एसिडिक है, तो रेन जो है स्लाइटली एसिडिक तो नेचुरली होती है, लेकिन जब उसकी पीएच और ज्यादा डाउन हो जाती है तो वो और ज्यादा एसिडिक हो जाती है और उसको कहते हैं एसिड रेन। जैसे कि जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसमें मेनली सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे SO2, SO3, NO2, NO। इस तरह के ऑक्साइड्स जब वाटर वेपर के साथ मिक्स होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर वेपर के साथ मिक्स होगा तो क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, तेजाब जिसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड हाईली एसिडिक हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि एक ड्रॉप आपके हाथ पर गिर जाए, कंसंट्रेटेड की फ्यूमिंग, एक तो होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप गिर जाए तो पूरा बिल्कुल स्किन में आर पार हो जाएगी, तो इतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। तो जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा इनका ऑक्साइड का एयर में, उतना ज्यादा रेन जो है एसिडिक हो जाएगी। तो व्हेन दीज एसिडिक कंपाउंड्स कम टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द रेन, देन दैट रेन विल बी द एसिडिक इन नेचर। क्लियर? तो मेनली किसकी ऑक्साइड से हो रही है, सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से। The normal clean rain itself is slightly acidic, जैसे बताया 5.6, as it dissolves certain amount of naturally occurring, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये कार्बोनिक एसिड बना लेगा H2CO3, जो कि वीकली एसिडिक होता है। तो कुछ अमाउंट में एसिडिक होती है नॉर्मल रेन, जिसका कि पीएच 5.6 होता है, लेकिन जब ये लेस देन 5.6 हो जाएगा, और कभी कभी तो इतनी ज्यादा एसिडिक हो जाती है कि वो 2.5 और लेस देन 2 हो जाएगी, तो उसको कहेंगे हाईली एसिडिक रेन, जिसकी वजह से फिर जैसे निक्रोसिस हो जाती है। निक्रोसिस, जैसे जो लीव्स है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की, और जब ये एसिडिक रेन की कांटेक्ट में आएंगी तो वो डीकलराइज हो जाती है। जो क्लोरोफिल कंटेंट है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाएगा, तो वो एसिडिक रेन की वजह से हो रहा है। ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन दो फॉर्म में हो सकती है, एक तो हो सकती है ड्राई डिपोजिशन और एक हो सकती है वेट डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन मीन्स जैसे कि जो एसिडिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल के साथ में, या तो वो एरोसॉल की फॉर्म में प्रेजेंट है या पर्टिकुलेट की फॉर्म में, या तो वो डिपोजिट हो जाते हैं किसी सरफेस पर, तो उसको कहते हैं ड्राई डिपोजिशन। पर जब ये रेन की फॉर्म में होगा, जैसे रेन है, फॉग है, स्नोफॉल है, ठीक है, या जैसे कि कहना चाहिए कि जो
फॉग जब जो है ड्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इस तरह का मीन्स जो वेट फॉर्म में है तो उनको कहेंगे वेट डिपोजिशन। तो ये ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, वेट में भी हो सकता है, लेकिन जो हार्मफुल इफेक्ट है वो वेट डिपोजिशन का ज्यादा होता है, ठीक है, ड्राई का उतना नहीं, क्योंकि ड्राई तो क्या है वो सरफेस के ऊपर है, वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन वेट डिपोजिशन है तो वो जिस भी सरफेस पर है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो वेट कंडीशन में है। तो वेट डिपोजिशन इज मोर हार्मफुल देन द ड्राई डिपोजिशन। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, क्या क्या इफेक्ट्स हैं? जैसे कि एसिड रेन है वो वाटर बॉडीज का एसिडिफिकेशन कर देगी, ठीक है, मींस वो डायरेक्ट रेनफॉल होके कहाँ वाटर बॉडीज में जा रहा है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड है, तो उसमें क्या होगा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डैमेज होगा, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं वो उनको हार्म पहुंचेगा एसिडिटी की वजह से। एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन प्रोसेस विल स्लो डाउन एंड पॉल्यूशन विल इंक्रीज। जितने भी जो जैसे डिकम्पोजर्स हैं, यदि वो डिकम्पोजर्स ही डैमेज हो जाएंगे तो जो डिकम्पोजिशन होना है पॉल्यूटेड, उसका पॉल्यूटेड जो एरिया है वहां पर जो नेचुरली डिकम्पोजिशन होता है वो इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाता है जो डिकम्पोज मटीरियल है, और वो नॉन डिकम्पोज रह जाएगा तो वो फिर पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगा। एसिड रेन कॉजेज सीवियर डैमेज टू लैंड वेजिटेशन इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप, एंड इट रिड्यूसेस अर्थवर्म पॉपुलेशन एंड इंक्रीज पोटेशियम लीचिंग फ्रॉम द सॉइल। जो अर्थवर्म है मैंने आपको क्लास में बताया था, अर्थवर्म क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर देते हैं, मीन्स उसको सॉइल को ले लेते हैं वो, मीन्स खाते हैं, और फिर उनकी इंटेस्टाइन से वो स्पाइरल फॉर्म में, एक्सक्रीटा की फॉर्म में निकलता है, और वो जो स्पाइरल फॉर्म होती है, रिंग फॉर्म जो होती है, वो वर्मी कंपोस्ट होता है, बहुत फर्टाइल होता है वो। तो इस एसिडिक बिहेवियर की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से क्या होगा, अर्थवर्म की पॉपुलेशन कम होगी, तो वर्मी कंपोस्टिंग कम होगी, और उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर है जिसका फॉर्मूला NPK होता है, तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम की लीचिंग हो जाएगी सॉइल में, और जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, टेक्सटाइल, पेपर एटसेट्रा। यदि एसिडिक रेन के कॉन्टेक्ट में मेटल आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया हो कि जो पीतल के बर्तन है, जब उनको जैसे साफ नहीं करें तो वो वैसे हो जाते हैं ना, ग्रीनिश कलर हो जाता है, तो वो एसिड का रिएक्शन हो जाता है। तो कोई भी मेटल है या कोई भी टेक्सटाइल है, यदि उसको एसिड के कॉन्टेक्ट में रखेंगे, जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री लैब में कहा गया होगा कि एप्रिन पहन के रखिए, तो उसका रीजन ये था कि ऐसा ना हो कि किसी एसिड के कांटेक्ट में आए और आप को हार्म पहुंचे आपकी स्किन को या आपके क्लॉथिंग को। तो कभी भी जब टेक्सटाइल है, पेपर है, कोई भी चीज है, यदि वो एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड इफेक्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन, जो कि मैं आपको ताजमहल का बता रही थी। उसका रीजन क्या है, ये रिएक्शन है उसका रीजन। कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टेक्ट में आने पर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, तो जो मार्बल है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कि वो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट्स ऑफ द एसिड रेन। कंट्रोल मेजर्स, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर बॉडीज विच हैव बिकम हाईली एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग देम विद लाइम वाटर, ठीक है।
पर ऐसा ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि वाटर बॉडीज कोई बहुत स्मॉल थिंग नहीं है। वाटर बॉडीज तो लार्ज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका ये तो न्यूट्रलाइजेशन कर दें लाइम वाटर के साथ, उसको ट्रीट कर दें तो उसके एसिडिक नेचर को कम कर सकते हैं। एंड देर आर हाउएवर सम इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सच ट्रीटमेंट। इसके साथ क्या होगा, जैसे कि यदि लाइम वाटर के साथ में उसको ट्रीट कर दिया तो वाटर बॉडीज न्यूट्रलाइज हो गई, वो एक पार्ट हो गया, लेकिन उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको हार्म पहुंचेगा, मींस जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डैमेज होगा। तो ये फिजिबल नहीं है, पर कर सकते हैं कि कुछ लिमिट तक उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल एसिड रेन इज टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये फिजिबल है कि यदि हम इनके एमिशन को रोकें जिनकी वजह से एसिड रेन फॉर्म हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड की वजह से हो रही है, यदि उनके एमिशन को ही रोक दें, उनके प्रोडक्शन को रोक दें, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, हम लोगों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, मींस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो यदि हम उसको कम कर दें तो पॉल्यूशन रुकेगा और फिर एसिड रेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मेन कंट्रोल मेजर विच कैन बी टेकन इज द रिडक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक रेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. आधे लोगों के तो स्पीकर ही नहीं कनेक्ट होते हैं, बस वो अटेंडेंस के लिए ये वैभव है, वेदांक है, संजय, विशाल, श्रुति बिंदल, शिवांगी, सत्यम मिश्रा, प्रांशु, योगिता, सूरज, रौनिक, रोहन, रवि प्रताप, सिर्फ अटेंडेंस के लिए वो कनेक्ट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण। ठीक है, गांव से शहर की तरफ जाना, मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज इज द अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर फैसिलिटी ज्यादा है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में फैसिलिटी ज्यादा है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो मूव करती है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया। सो what is urbanization? Urbanization is the process of growth of urban areas and it includes expansion of cities and conversion of rural areas into urban areas. ठीक है, cities का expansion भी urbanization है और rural to urban movement is also urbanization. And this process takes place as a result of industrial development and subsequent economic development of urban area. किसकी वजह से होता है ये? या तो कोई industrial setup हो रहा हो, या कोई भी इस तरह की growth हो रही है, या economic development के लिए इस तरह का movement होता है। जैसे for example ये जो express way बना यहाँ पर मथुरा में, तो एक्सप्रेसवे जब बना तो उससे क्या हुआ, जो आसपास के गांव थे वो उसमें मर्ज हो गए, उन लोगों को पैसा मिल गया उसका, तो उससे क्या हुआ, उनके पास जब पैसा हुआ तो वो सिटीज की तरफ मूव कर गए। दूसरा, वहां पर इस तरह के डेवलपमेंट की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो ओवरऑल क्या है, ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन मूव करती है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, या जो
अर्बन एरियाज हैं भी, उनमें फिर और एक्सपेंसिव होता है कि और वहां पर डेवलपमेंट किया जाए. सो ड्यू टू बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड लेटर दे गेट सेटल्ड इन सिटीज ऑलमोस्ट परमानेंटली. मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे एक जनरेशन ने मूव किया, हो सकता है कि वो कुछ दिन तक दोनों तरफ रहें कि रूरल में भी रहें और सिटीज में भी रहें, फिर धीरे धीरे आगे जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो वो क्या होता है, परमानेंटली ही सेटल हो जाते हैं. परमानेंटली क्यों सेटल हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन और अदर फैसिलिटीज रूरल से बेटर मिलती हैं, तो इसलिए वो परमानेंटली वहां पर सेटल हो जाते हैं. जो पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और आगे भी इंक्रीज होता रहेगा. जैसे 1850 में था 2%, फिर 19 में हो गया वो 13%, फिर 1950 में 29%. तो इस तरह से ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है. तो जो अर्बनाइजेशन है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लार्ज स्केल पर है, और जो डेवलपिंग है उनमें अभी ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मींस वहां पर अभी कंटिन्यू है. इंडिया के एनालिसिस की बात करें तो 28% पॉपुलेशन ही अभी अर्बनाइजेशन की तरफ गई है, अभी 72% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में है. लेकिन ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है और अर्बनाइजेशन अभी भी चल रहा है. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, जो डे टू डे लाइफ है उनकी या लाइफ स्टाइल है वो अच्छी होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा. ठीक है, तो ये सब तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं. लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जहाँ पर डेवलप होता है अर्बन एरिया, तो वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो किस में चली जाती है, उसके डेवलपमेंट में चली जाती है. तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है. ठीक है, और क्या होगा? कंजेस्टेड एरिया डेवलप होंगे, क्योंकि जो अर्बन एरिया डेवलप हुआ वहां पर पॉपुलेशन तो ज्यादा रहेगी, एरिया उतना है नहीं. तो जिस तरह से गाँव में खुला खुला एटमोसफियर होता है वैसा सिटीज में नहीं हो पाता है, तो स्लम डेवलप होंगे, कंजस्टेड एरिया डेवलप होंगे, सीवेज की प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, जैसे कि कॉलोनीज डेवलप होती हैं और कॉलोनीज डेवलप जो कॉलोनाइजर होते हैं, बहुत से कॉलोनाइजर इस चीज का नहीं ध्यान रखते हैं कि आगे चल के ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है कहीं वो तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, है ना. दूसरा, जैसे जैसे सिटीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ऑटोमोबाइल का यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, और ऑटोमोबाइल के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, एयर का पोल्यूशन बढ़ रहा है. दूसरा, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है. ठीक है, तो ये कुछ जो है नेगेटिव एस्पेक्ट हैं अर्बनाइजेशन के. जो मेन प्रॉब्लम है वो ये भी है कि एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो जिस प्रपोर्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा कहीं उसका कंजम्पशन हो जा रहा है. जैसे कि सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, सबके घर में एसी है, ठीक है, सबके घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है बहुत सारे, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं. तो दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. रिकमेंडेशन क्या है इसकी? यदि अर्बन एरियाज को प्लांड वे में डेवलप किया जाए, मींस उसका सीवेज का क्या प्रोविजन रहेगा, कैसे सैनिटाइजेशन होगा, वहां पर ग्रीन जोन बना दें, जैसे कि कॉलोनी जो डेवलप होती हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो वहां पर पार्क्स भी डेवलप करते हैं, तो ग्रीन जोन होगी तो उससे जो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है जैसे कि कंजेस्टेड एरिया और उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉल्यूशन उतना ज्यादा नहीं होगा यदि वहां पर बीच बीच में पार्क्स बने होंगे. तो यदि प्लांट वे में उसको बनाएंगे और कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो
तो ये अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं. एंड टू चेक माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया, जो माइग्रेशन हो रहा है वो मेनली किसके लिए हो रहा है, बेटर फैसिलिटीज के लिए. तो यदि रूरल एरियाज को ही डेवलप कर दिया जाए या तो वहीं पर वो फैसिलिटीज कर दी जाए तो फिर उनको मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन के उनको रोक पाएंगे. ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज तो वो तो डेवलप्ड है ही, वहां पर बस वहां पर क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर दें उनको, वहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दे दें, मीन्स अच्छे हॉस्पिटल बना दें, अच्छे स्कूल और कॉलेज बना दें, तो उनको जरूरत ही नहीं है मूव करने की. क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम है या बोरियत, जैसे सिटीज में बोर हो जाते हैं क्योंकि सब न्यूक्लियर होते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम रूरल एरियाज में नहीं होती. तो यदि वो बेटर है तो वहीं पर यदि फैसिलिटीज को डेवलप कर दिया जाए तो अर्बनाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और उसके निगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द अर्बनाइजेशन. नेक्स्ट करेंगे ओवर पॉपुलेशन. आज के लिए किसी को कोई पूछना हो कोई पॉइंट पर तो पूछ लीजिए.